भगवान, तू ही बता कि मैं क्या करूं, क्योंकि क्योंकि देव तो पागल है और पागल इंसान तो कुछ भी। दीदी, दीदी, दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा कहाँ हो तुम? दीदी, इसकी मांग भर दी। दीदी, मुझे बचा लो दीदी, मुझे मुझे बचा लो। मैं नहीं चाहती दीदी। नहीं नहीं इशिता, ऐसा नहीं कहते, तुम्हें मरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मेरी इशिता को तो मरना ही पड़ता है। तुम मेरी इशिता हो ना, हाँ, तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा। मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ इशिता, मर जाओ, मर जाओ, मरना पड़ेगा इशिता, तुम मेरी इशिता हो, तो मरना तो पड़ेगा, है ना? दुलिका, दुलिका मुझे माफ कर दो। कभी नहीं दीदी, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। शादी कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। अंदर हो क्या? एक कभी चल सकते? सॉरी मैडम, अंदर नहीं हूँ, पर क्या करूँ, आपको देखकर सब भूल गया। आपके दोस्त थे या आपने इन्हें पैसे देकर ये सब नाटक करवाया था? ओह माय गॉड, उठिए उठिए। अरे नहीं नहीं मैडम, आपने क्यों तकलीफ की? ये सब तो मेरे दोस्त हैं, मजाक कर रहे थे। आपको तो बहुत सा खून निकल रहा है। ये खून नहीं, रंग है। सुनिए, बड़े घर में क्यों छोटी माँ? बड़े घर में ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे वहाँ होना चाहिए? ओह, तुम्हें तो पता ही नहीं। खैर, मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हारे भाई देव की शादी की बातें हो रही। देव की शादी की बातें? उस पागल की शादी की बातें हो रही? लेकिन छोटी माँ, उस पागल से शादी करेगा कौन? वही जो उसका इलाज कर रही है। आपका मतलब वो नर्स? हाँ, वही नर्स तुलिका। नहीं नहीं छोटी माँ,
वो नर्स भी देव जैसे पागल आदमी से कभी शादी नहीं कर सकती। हाँ ये हो सकता है कि वो दौलत की लालच में उसे फंसाने की कोशिश कर रही हो। नहीं करण, वो नर्स देव को नहीं फंसा रही, तुम्हारी बड़ी माँ उसे फंसा रही। देव की जो हालत ठीक हुई है वो तुलिका की वजह से ठीक हुई है, इसलिए वो चाहती है कि देव और तुलिका की शादी हो जाए ताकि देव पूरी तरह से ठीक हो जाए। अगर तुलिका की शादी हो गई तो देव भले ही ठीक ना हो, लेकिन तुम्हारे रास्ते में एक और रुकावट आ जाएगी। हाँ अभी माँ जी को ये लगने लगा है कि देव तुलिका की वजह से ही ठीक हो रहा है और वो ये चाहती है कि देव की तुलिका के साथ शादी हो जाए। मेरी परेशानी ये है कि मैं ये तो चाहती हूँ कि देव ठीक हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि उन दोनों की शादी हो। अनु अगर तुम ये नहीं चाहती हो तो सिंपल जाके समझाओ माँ जी को। नहीं अभी, अगर मैं उन्हें कुछ समझाऊंगी तो वो इसकी वजह जानना चाहेंगी और तुम तो जानते हो कि मैं चाहकर भी तुलिका की असलियत उन्हें नहीं बता सकती। Then what have you thought? क्या करोगी तुम? मैंने सोचा है कि मैं तुलिका को समझाऊंगी, क्योंकि अगर वो नहीं चाहेगी तो कोई भी उससे देव की शादी नहीं करवा सकता। मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, और अगर होता भी तो नहीं देता, क्योंकि ये मेरे उसूल के खिलाफ है। उसूल की बात मत करो, तुम मत करो उसूल की बात। एक काम ठीक से कर नहीं पाए उसूलों की बात करते हो। हमने पैसा तुम्हें कृष्णा को मारने के लिए दिया था और वो अभी तक जिंदा है, तो फिर पैसा कैसे रख सकते हो तुम? मेरी एक बात ध्यान से सुन, हमें हमारा पैसा हर कीमत पर चाहिए, वरना आपको जो करना है कर लो, आपका पैसा मैं आपको वापस नहीं दूंगा। अगर तुमने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हें मौत दूंगा, मौत दूंगा, मौत दूंगा। सबूत है कि मंगलसूत्र जो उन्होंने मेरे गले में डाला था, सबूत है ये सिंदूर जो उन्होंने मेरे मांग में भरा था। देव पागल खाने नहीं जाएगा। बहुरानी, हाँ बुआ जी, देव पागल खाने कभी नहीं जाएगा। बुआ जी, मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये जिज्ञासा की जिंदगी का सवाल है। अपनी सास की सेवा करने में जो सुख मिलता है उसे ऐसे ही बहू समझ सकती है जिसे ससुराल में रहने का मौका मिला। क्या हो रहा है? क्यों, क्या देव को फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है? देव को तो पागलपन का दौरा नहीं पड़ा, हाँ लेकिन भाभी जरूर पागलपन की बातें कर रही हैं। रोहिणी? हाँ जी जी, उन्हें लगता है कि देव के ठीक होने में तुलिका का हाथ है और इसलिए वो देव की शादी तुलिका से करवा देना चाहती है। ये तुमसे किसने कहा? भाभी ने मुझसे कहा है ये। आप तो जानती हैं कि जब से तुलसी इस घर की बहू बन के आई है
हमारी, और अगर तुलिका भी इस घर की बहू बन जाएगी तो फिर दोनों मिलकर इस घर को बर्बाद करके रख देंगे। नहीं रत्ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो तो ठीक है जीजी, लेकिन भाभी कह रही हैं तो भी ये शादी नहीं होगी। हाँ रत्ना, इस घर में हमारी मर्जी के बिना किसी की भी शादी नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं। तुम जा सकती हो। ये सब मंगा लेना जी, और शामू से कहना कि पपाया जरूर लेकर आए, देव को बहुत पसंद है। देव कहाँ रहता है लड़का? अरे तुलसी, देव को देखा है तुमने? माँ जी, वो तुलिका उसे घुमाने के लिए लेकर गई है। बाहर घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है ना देव को? बेचारा बहुत दिनों तक चार दीवारी में बंद भी तो रहा है। वैसे तुलिका हमारे देव का बहुत ध्यान रखती है ना? वो तो रखना ही चाहिए, आखिर नर्स जो है उसकी, इसीलिए तो रखा है हमने उसे। जानती हूँ वो देव की नर्स है, लेकिन जिस तरह से वो देव का ख्याल रखती है ना, वो एक नर्स नहीं एक दोस्त ही रख सकती है। और पता है, देव तो उसे सचमुच इशिता ही समझने लगा है। और मैं सोच रही थी कि काश तुलिका देव की इशिता ही। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। मैं कह रही थी कि अगर देव और की शादी हो जाए तो हमारा देव इशिता को हमेशा के लिए भूल और उसका पागलपन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, है ना? लेकिन माँ जी, क्या तुलिका देव से शादी करने को तैयार होगी? क्यों नहीं होगी बेटा, वो जो चाहेगी हम उसे वो सब देंगे, मान सम्मान अधिकार प्यार। और वैसे भी मुझे लगता है कि तुलिका देव को पसंद करती है। मैं जानती हूँ माँ जी कि आप देव की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन तुलिका और देव की शादी के बारे में इस वक्त सोचना थोड़ी जल्दबाजी होगी। अभी हम तुलिका के बारे में जानते ही क्या है, वो कौन है, किस खानदान की है, कैसे पली बड़ी है। जो भी हो बहू, मैंने उसकी आंखों में देव के लिए प्यार और ममता देखी है। माँ जी आप बहुत भोली हैं, हर जो चीज दिखाई देती है वो सच तो नहीं होती। ये भी तो हो सकता है कि प्यार ये देखभाल सिर्फ इसलिए हो कि वो इतने बड़े परिवार का बेटा है। ये तुम क्या कह रही हो? नहीं नहीं, मुझे ये लड़की ऐसी तो बिल्कुल नहीं लगती। मैंने कब कहा माँ जी कि ऐसी है, लेकिन हो भी तो सकती है। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ऐसे फैसले में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है माँ जी। है घर की रक्षा।